डायरेक्टर एसएस राजामौली बाहुबली के बाद से ही 100 करोड़ की लागत में महाभारत बनाने की घोषणा कर चुके हैं और इसके बाद से ही दर्शक बेहद एक्साइटेड हैं ये जानने को कि कौन सा एक्टर कौन से कैरेक्टर में नजर आएगा। राजामौली ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए बताया कि फिल्म 3 पार्ट्स में रिलीज होगी और इसे बनाने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में जी जान से जुड़ गए हैं। तो ये बॉलीवुड का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा और अगर ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि कौन से एक्टर को कौन से कैरेक्टर के लिए चुना जाना चाहिए। सबकी पॉपुलर डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्केच आर्टिस्ट्स ने स्केचेस तैयार किए हैं जिनमें इन एक्टर्स को उन्हीं कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया गया है और ये देखना बहुत ही इम्प्रेसिव है कि ये एक्टर्स इन कैरेक्टर्स में कैसे दिखेंगे। दर्शकों के हिसाब से आमिर खान कृष्णा के रोल के लिए सबसे बेस्ट है। देवकी की 8वीं संतान जिसने अपने दुष्ट मामा कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में गीता उपदेश दिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। वहीं ऐश्वर्या राय को गंगा और कमल हसन को शांतनु के किरदार में देखा जा सकता है। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वो हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था जिससे उनका देवव्रत नाम का पुत्र हुआ था। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। वहीं शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। इस विवाह को कराने के लिए ही देवव्रत ने राजगद्दी पर ना बैठने और आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था। सत्यवती के किरदार के लिए दर्शक विद्या बालन को बेस्ट मान रहे हैं। वहीं अजय देवगन को दुर्योधन के कैरेक्टर के लिए चुना गया है। कौरवों में ज्येष्ठ धृतराष्ट्र एवं गांधारी के 100वें पुत्रों में से सबसे बड़े हैं दुर्योधन। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ही महाभारत युद्ध का कारण थी। वहीं अगर दुशासन की बात करें तो अभिषेक बच्चन दुशासन के कैरेक्टर में खूब जमेंगे। दुशासन का द्रौपदी के चीरहरण में बहुत बड़ा हाथ था। वहीं ऋतिक रोशन को कर्ण के रूप में देखने के लिए भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे और पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। वहीं युधिष्ठिर के कैरेक्टर में अर्जुन रामपाल बहुत जच रहे हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं इस फिल्म में भीम के दमदार किरदार में बाहुबली फेम प्रभास नजर आ सकते हैं। अर्जुन के लिए फरहान अख्तर को चुना गया है। अर्जुन देवराज इंद्र द्वारा कुंती एवं पांडु के पुत्र थे। वहीं नकुल के कैरेक्टर के लिए विद्युत जामवाल को चुना गया है। नकुल और सहदेव पांडवों के सबसे छोटे बेटे थे। जहां नकुल विद्युत जामवाल हैं, तो वहीं सहदेव के कैरेक्टर में रणवीर सिंह नजर आ सकते हैं। वहीं अगर महाभारत के सबसे दमदार कैरेक्टर की बात करें तो द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए दीपिका पादुकोण को चुना जा सकता है। द्रौपदी द्रुपद की पुत्री थी जो अग्नि से प्रकट हुई थी। वहीं सदी के महानायक को इस महाभारत में सबसे भव्य रोल मिलने वाला है। भीष्म पितामह के रोल में अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई और एक्टर जम ही नहीं सकता। इस फिल्म में द्रोणाचार्य के लिए रजनीकांत को चुना जा सकता है। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या देने वाले ब्राह्मण गुरु थे। वहीं अगर बात करें कुंती माता की तो कुंती माता के लिए रेखा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और अगर महाभारत के विलेन की बात करें तो शकुनी मामा के विलेनस रोल के लिए गुलशन ग्रोवर को चुना गया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आप इन एक्टर्स से संतुष्ट हैं? और आप महाभारत जैसी भव्य फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।